मंगलवार को बिहार के 15 से ज्यादा जिलों में अच्छी बारिश हुई। पटना, कटिहार, किशनगंज, जमुई, सिवान, गोपालगंज, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, सीतामढ़ी, आरा, भागलपुर और जहानाबाद में सुबह सुबह बारिश हुई है। भागलपुर में बारिश की वजह से घुटने भर पानी जमा हो गया, यहां गाड़ियां पानी में डूब गई। मुंगेर में लगातार बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक के पास की मिट्टी धंस गई, इससे ट्रैक को भी हल्का नुकसान हुआ है और मरम्मत का काम जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 24 जिलों में बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों में भारी बरसात के साथ ही आकाशीय बिजली का भी अलर्ट जारी किया गया है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है, इससे प्रदेश में कहीं भारी तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। बिहार में अब तक 174.8 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 87.8 mm ही बारिश हुई है, यानी कि सामान्य से 50% कम बारिश हुई है। वहीं बिहार में अब तक सबसे ज़्यादा बारिश किशनगंज में 619.8 mm हुई है, जो सामान्य से 71% अधिक है। ये भी जानने की जरूरत है कि कहां पर कितनी बारिश हुई है। अररिया में 92.2, पूर्णिया में 84.2, वहीं मधेपुरा की बात करें तो 71.4, वैशाली में 60.2, मधुबनी में 53.4 और साथ ही गोपालगंज में 52.2, मुजफ्फरपुर में 48.2, सीतामढ़ी में 42.6, किशनगंज में 42.4 और बेगूसराय में भी 42.4। जमुई में सोमवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान गुरु सिंह के रूप में की गई है। वहीं सुपौल के छातापुर प्रखंड के चुन्नी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य धर्मदेव मंडल के बेटे कुंदन कुमार मंडल की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। बारिश के साथ आसमान में बिजली करके तो क्या करना चाहिए, ये भी आप जानिए। खुले आसमान के नीचे मत रहिए, तुरंत किसी घर या बिल्डिंग में शेल्टर लीजिए। टीन या धातु के शेड वाले घरों से दूरी बनाइए। सफर के दौरान वाहन के शीशे चढ़ाकर रखिए। खुली छत वाले वाहन में सवारी मत कीजिए। बारिश के समय कभी भी पेड़ के नीचे खड़े मत होइए। खेतों और तालाब से दूरी बनाकर रखिए और मोबाइल टावर, बिजली के खंभों से भी दूरी बनाइए। घर में होने पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। घर के खिड़कियां या दरवाजे बंद रखें। बरामदे या छत जैसी खुली जगह पर ना जाएं। जल के बहते पानी का इस्तेमाल ना करें या फिर नल के बहते पानी का इस्तेमाल ना करें। घर में बिजली से संचालित अप्लायंसेस से दूर रहें। टेलीफोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। धातु से बने पाइप, शावर, पानी की टंकी से दूर ही रहें। नंगे पाँव रहे तो बिल्कुल भी बिजली के तार को ना छुएं और रबड़ की चप्पलों का इस्तेमाल कीजिए। बिहार में सामान्य से 52% कम बारिश हुई। जून में बिहार में 163.3 mm बारिश होनी चाहिए थी, पर 78.9 mm ही बारिश हुई है। हालांकि जुलाई में ऐसा नहीं होगा, मॉनसून एक्टिव है। समुद्री कारक से लेकर अन्य फैक्टर बारिश के लिए सपोर्टिव रहे हैं। यही नहीं, जुलाई में ला नीना की भी एंट्री होगी, इस वजह से बिहार में जुलाई में सामान्य से 110 से 115% अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। बिहार में जुलाई में सामान्य बारिश 340.5 mm होती है, इस बार 375 से 390 mm बारिश होने की संभावना है।